हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हमने जो थ्योरी सब्जेक्ट यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था अपने चैनल सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल पर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। अभी थर्ड चैप्टर तक हम उसमें पहुंच चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने गूगल फॉर्म डलवाए थे लेक्चर्स के साथ, उसमें काफ़ी बच्चों के हमने फीडबैक जो हम लिए हमने फीडबैक मैक्सिमम लोगों ने जो कहा है सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए वो जीके एंड करंट अफेयर्स की डिमांड की है। तो उसके हिसाब से मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि जीके एंड करंट अफेयर्स अगला सब्जेक्ट हम शुरू करें। तो एनवायरनमेंट तो हमारा चल ही रहा है, साथ ही साथ मैं अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जीके करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमी पार्ट। तो जीके करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी ये हमारे सारे एग्जाम के लिए कॉमन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आता है, एसएससी में भी है, स्टेट एग्जाम्स में भी है, पीएससीयूज में भी है, सिविल सर्विसेज में भी है। हालांकि सिविल सर्विसेज में आपको इकोनॉमी और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी एग्जाम का काम चल जाएगा। तो जीके करंट अफेयर तो हर एग्जाम में काम आ जाएगा, इकोनॉमी इसमें हम उतना कराएंगे जो बाकी एग्जाम में काम आ जाए, पर सिविल सर्विसेज के लिए इकोनॉमी आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट हम 18 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं और 4:30 PM क्लास रहेगी। तो डेली हमारा ये लेक्चर 4:30 PM जीके करंट अफेयर इकोनॉमी का पार्ट चलेगा और 7 PM से एनवायरनमेंट ऑलरेडी हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। एनवायरनमेंट हमारी कोशिश है कि क्वेश्चंस वगैरह के साथ कवर करके इसी महीने में वो वाइंड अप हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी करनी होती तो हम पहले कर लेते, पर थ्योरी प्लस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपका इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपका हर एग्जाम के लिए कॉमन है, कोई भी पेपर आप बात करें इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज सबके लिए कॉमन है। जीके करंट अफेयर इकोनॉमी में इकोनॉमी आपको सिविल्स के लिए और पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे एग्जाम के लिए ये चीज़ आपको हेल्प कर देगी। इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे बाकी सारे एग्जाम को कवर कर ले, सिविल्स में आपको इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। तो दो सब्जेक्ट आपके पैरेलली हो जाएंगे, इकोनॉमी जल्दी ही इस महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और जीके करंट अफेयर इकोनॉमी हमारा कंटिन्यू चलेगा। इकोनॉमी के लिए मैं बुक्स वगैरह रिकमेंड भी कर दूंगा, अगर कोई सिविल्स वगैरह के लिए इंटरेस्टेड हो कि सर और किताबें वगैरह बता दीजिए, वो हम रिकमेंड कर देंगे। और एक बात यह है कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट जब खत्म हो जाएगा इसी महीने में, हम जब कंप्लीट कर लेंगे इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, फिर हम उस टाइम स्लॉट पर कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। तो जीके करंट अफेयर इकोनॉमी चलेगा, इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपका इस महीने में कंप्लीट ही होने वाला है और उसके बाद आपका एक नया सब्जेक्ट 7 PM वाले स्लॉट पर आ जाएगा, वो आपसे पूछ लेंगे साइंस टेक या जो भी आप कहेंगे। फीडबैक जो फॉर्म है गूगल फॉर्म जो क्लास के डिस्क्रिप्शन में ऐड होता है उसमें जरूर आप मेंशन कर दिया करिए और क्या चाहते हैं, तो मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी उसी पर हम कंटिन्यू कर देंगे। और कुछ बच्चे लिख रहे थे वन दरोगा वाले में जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है वो काम आएगा कि नहीं, कितना पढ़ना है। तो मैं बच्चों आपसे ये कहूँगा, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट आप पढ़ रहे हैं तो उस एग्जाम का सिलेबस आपके पास है, आप सिलेबस को मार्क करते चलो, लास्ट में कोई टॉपिक रह जाए तब आप मुझे एक लिस्ट बना के भेज सकते हो सर ये रह गया। अब हर एग्जाम का सिलेबस तो मैं याद करके नहीं बैठा हूँ, मैं पूरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस से अगर कोई पॉइंट रह जाता है आप उसको मार्क कर लो, कुछ मैंने किताबें बताई वहाँ से रेफर कर सकते हो, उन टॉपिक को गूगल से ऐड कर सकते हो, या टाइम अलाउ करेगा तो मुझे लिस्ट भेज दोगे, मैं उनको मिसलेनियस में लास्ट में ऐड कर लूँगा। हालांकि बहुत कुछ ही टॉपिक होंगे ऐसे जो दो चार टॉपिक शायद नहीं हो पाए, हालांकि मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो ही जाएगा। तो कम से कम इतना काम आपको अपने एंड पर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।